जेबुन उरखाया खै ना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है हम लोग बादल में। हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से वापस जाऊं या नीचे जाऊं सोच रहा है क्या होगा पता नहीं, क्योंकि नीचे जाने का भी बहुत खतरा है, रास्ता भी और बहुत दूर तक आ गया ना हम लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस वाटरफॉल देखने के लिए, क्योंकि जांग में ही जब हम लोग जहाँ रुका था ना उसके थोड़ा आगे में ही वाटरफॉल है बहुत बड़ा, तो नुराना फॉल बोलता है इसको और फोंगपोंग वाटरफॉल भी है ना। तो हम लोग तवांग नहीं जा रहे हैं गाइस, क्योंकि तवांग बहुत दूर है अभी और रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है ना, इसलिए हम लोग नहीं जाएँगे, सोचा है बहुत दूर तक आ गया इसलिए रिटर्न घर में जाएँगे। और ज़्यादा दूर भी नहीं था, 46 किलोमीटर ऐसा था, और पहाड़ का रास्ता है ना इसलिए रिस्की है, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे, बहुत दूर होता है ना पहाड़ में जब सामने में होने से भी। तो हम लोग अभी जा रही है वाटरफॉल में। पोंग पोंग माय वाटरफॉल जांग मेंटेनेंस फीस 40 पर पर्सन। मैं हम लोग अभी जा रही है गाइस सीढ़ी से उतरते हुए ऊपर से नीचे तक जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ऊपर से गिरा है ना ये वाटरफॉल, तो हम लोग बहुत ऊपर से नीचे आ गया है। फाइनली गाइस पहुंच गया, देखो ऊपर से कैसा धुआं धुआं जैसा निकल के जा रहा है, कैमरा में ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दिया है तो रियल में बहुत ही अच्छा है, देखो इतना जोर से गिरता है, देखो हवा जैसा उड़ के जा रहा है ना पानी। ओह माय गॉड, अभी तो बारिश ज़्यादा नहीं दिया है ना इसलिए पानी भी थोड़ा कम होगा शायद, जब ये समर सीजन में बहुत पानी होगा। वाह इतना सुबह सुबह बहुत सारा लोग आ गया है यहाँ पर देखने के लिए। अभी हम लोग यहाँ से निकल रही है और सीधा घर तक रवाना हो जाऊंगी, अभी हम लोग सीधा जाएंगे तो रास्ता का व्यू दिखाते जाऊंगी आप लोग को। Oh,
अभी हम लोग थोड़ा बर्फ़ में खेल लिया है तो सीधा जाऊंगी और यह व्यू पॉइंट था, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं रुकूंगी क्योंकि हम लोग को जसवंतगढ़ का वो वार मेमोरीज देखना है क्योंकि वो भी रास्ते में है। उस दिन जो हम लोग आया था तो हम लोग रात में पहुंचा था ना, तो रात का व्यू भी हम लोग दिख नहीं पाया था, तो आज दिख रहा है, इतना सुंदर है, इसलिए आज हम लोग वार मेमोरीज भी देख कर जाऊँगी। थोड़ा देर ही हम लोग देख कर जाऊँगी क्योंकि टाइम भी नहीं है ना, जल्दी जल्दी फटाफट से देख कर कितना जितना हो सके आप लोग को थोड़ा दिखा के हम लोग जाऊंगी। अभी पहुंच ही गया है, ये जो रास्ते में ही मिल जाता है तो बहुत अच्छा व्यू है, बर्फ़ भी गिरता है ना, तो ठंड भी था लेकिन अभी सुबह हो गया ना, इसीलिए बहुत सारा टूरिस्ट भी आता है तो यहाँ पर दिन में पहुंचने से या देखकर ही आगे में जाता है, लेकिन हम लोग तो उस दिन रात में पहुँचा था ना इसलिए देखने के लिए नहीं मिला था। तो अभी हम लोग अंदर में जाऊँगी, थोड़ा देखूँगी और वहाँ पर अंदर में सब लोग वहाँ पर जो डिटेल्स है उसको बता देती है, तो बहुत सारा लोग भी था वहाँ पर, उन लोगों को बता रहा था लेकिन हम लोग भी सुना है और जल्दी जल्दी फटाफट से निकल के आ गया है। तो आप लोग को भी जब आना होगा तो यहाँ पर जल्दी से फटाफट से आकर यहाँ पर देखकर ही आगे जाना, वरना रिटर्न आते वक्त आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, टाइम भी नहीं मिलता है, इसीलिए तो टाइम अच्छा से टाइम मेंटेन करके आना। तो हम लोग का तो फर्स्ट टाइम था ना इसीलिए अच्छा से मैनेज नहीं कर पाया था हम लोग, इसीलिए जल्दी जल्दी देख कर आ गया है हम। फाइनली गाइस अभी हम लोग सेला टॉप में पहुंचने वाला है, वो देखो यहाँ पर यहाँ से दिख रहा है, तो वहाँ पर आज बहुत सारा बादल भी है तो हम लोग बादल के अंदर से जाने वाली हूँ, सो एक्साइटेड क्योंकि उस दिन हम लोग इवनिंग में पहुंचा था ना और उस दिन का वेदर आज का जैसा नहीं था, तो यहाँ पर वेदर चेंज होता रहता है, तो इतना अच्छा सा व्यू हम लोग उस दिन दिख नहीं पाया था गाइस, तो आज इतना अच्छा लगा है। तो देखो व्हाइट व्हाइट यहाँ पर व्हाइट व्हाइट पहाड़ और इस तरफ देखो कैसा कलर, एक साइड अलग बहुत अच्छा है। यहाँ पर जंगल सूखा सूखा, सच ए ब्यूटिफुल प्लेस गाइस, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। देखो अभी हम लोग बादल में पहुंचने वाला है और देखो ये है माधुरी लेक, लेकिन अभी बर्फ़ से ढका हुआ है, जब इसको जब बर्फ़ थोड़ा कम हो जाएगा तो पानी को देखेगा, लेकिन अभी बर्फ़ का टाइम है इसीलिए देखो व्हाइट व्हाइट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर पानी नहीं है, पानी का ऊपर में देखो बर्फ़ बर्फ़ है, इसलिए अभी हम लोग नीचे नहीं जाएंगे, वहाँ पर सीढ़ी जैसा दिखाई दे रहा है ना उससे सेल्फी पॉइंट, वहाँ से हम लोग नीचे जाके पानी तक जा सकता है, लेकिन अभी पानी भी नहीं है ना इसलिए हम लोग नीचे नहीं जाएंगे। और वहाँ पर हम लोग बहुत सारा लोग रुका हुआ है, आई लव सेला पास है, तो अभी हम लोग वहाँ पर थोड़ा देर रुक के जाऊंगी आगे तक। ओए किसान दू इसके वाला ला वाला हम लोग जो ऊपर में टॉप में पहुंच गया है, लेकिन आज माइनस में नहीं है टेम्परेचर, तो 4 डिग्री था तो इसलिए ज़्यादा ठंड नहीं हुआ था, अगर माइनस में जाता तो हम लोग यहाँ पर रुक ही नहीं पाता, तो अभी हम लोग यहाँ थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद सीधा जाऊँगी। मुझे नूर खाया खाई ना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है हाँ 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 हम लोग बादल में है गाइस, बादल बादल इतना ऊपर है कि देखो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर जब रुख के ना रुक हुआ है ना,
मैंने सोचा था मैं नीचे जाऊंगी, अच्छा से देख कर आऊंगी, बर्फ से खेल के आऊंगी, लेकिन देखो यहाँ पर एक मतलब ऐसा हो गया है, एकदम से यहाँ पर वेदर चेंज हो गया है। देखो इतना सारा यहाँ पर फॉग फॉग और बादल ऐसा हो गया है, और इतना अंधेरा जैसा लग रहा है, रास्ते भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर सेलापास गेट में आ गया है, फिर भी देखो व्यू कैसा है। और हम लोग सोच रहे हैं रास्ते से हम लोग जाऊंगी कैसे, दिखाई नहीं दे रहा है कैसे, देखो इतना दूर तक। Oh, mouse. She's going to play the water. Ice means borop. Oh, इतना ठंड है गाइस यहाँ पर, इतना टॉप में सेला टॉप, सबसे हिमालय के टॉप में आ गया है हम लोग, जो हम लोग का वहाँ से हम लोग का जगह से यहाँ पर दिखाई देता है ना व्हाइट व्हाइट वाला ऊपर में, तो हम लोग उस जगह में पहुँच गए हैं। देखो ये सब जो व्हाइट में देख रहे हैं सब बादल है, दूर से बादल जैसा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर सब फॉग फॉग। यहाँ पर देखो तेजपुर रुक 268 किलोमीटर है, टावांग तक 78 किलोमीटर, 90°C गंपा विजय गंपा 16 किलोमीटर, वो इस तरफ भी जा सकता है ना। हाँ इतना सुंदर तरीके से बने, ओ माय गॉड गाइस देखो रास्ता कैसा हो गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, तो हम लोग कैसे जाएंगे था सोच रहा था, और अगर आगे से कोई गाड़ी आ जाए तो हम लोग को दिखाई भी नहीं दे रहा है कैसा हो गया रास्ता, अगर रास्ता भी इतना छोटा है ना, अगर हम लोग गिर भी जाए तो हम लोग को कोई भी ढूंढ के नहीं मिल सकता है। देखो कैसा व्यू है गाइस, सच में बहुत सारा डरावना एक्सपीरियंस है गाइस लाइफ में, फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। देखो कैसा है, फिर भी हम लोग बहुत अच्छा से मतलब बहुत रिस्क से जा रहा था, तो वीडियो में थोड़ा क्लियर जैसा ही लग रहा है क्योंकि कैमरा में ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल में इतना ज़्यादा अंधेरा जैसा था ना, सच में कुछ भी दिखाई नहीं दिया था गाइस, बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सो आज नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग जा रही है यहाँ पर बुद्धो मोनेस्ट्री देखने के लिए, ये है दिरांग में, तो अभी हम लोग पहुँच ही गया है, तो आप लोग को भी थोड़ा शेयर कर रही हूँ, सो इसको भी फटाफट से देख कर हम लोग जाने वाली है, इसलिए जितना हो सके हम आप लोग को दिखाऊंगी। अभी हम लोग एंट्री करने वाली है, देखो इतना सुंदर से बना के रखा है ना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बुद्धो मोनेस्ट्री, ये तो मेरा ड्रीम था, एक ना एक दिन मैं आऊँगी जाऊँगी बुद्धो मोनेस्ट्री देखने के लिए, मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन आज ड्रीम सक्सेसफुल होने वाला है गाइस सच में, इसलिए मैं इतना खुश था, इसलिए दौड़ते हुए आगे जा रहा था मैं, इतना जल्दी जल्दी देखने का एक्साइटेड ही अलग है ना। तो अभी हम लोग पहुँच गया है, तो बहुत सुकून मिल रहा है गाइस, ऐसे जगह में आने से बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि ये तो मेरा ड्रीम था ना, इसलिए मैं तो बहुत खुश था। तो हम लोग फटाफट से इसको घुमा रहा ऐसा घुरा रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और मुझे इतना ज़्यादा तो पता नहीं, और यहाँ पर वॉल में इतना अच्छा से यहाँ पर बना के रखा है, ये सब सब हिस्ट्री है यहाँ का, तो लोग कैसा रहता था, तो क्या क्या हुआ था पहले का दिन। गुड मॉर्निंग कोचू, पूजा कर रहे हैं लोग पीछे को।
Here we go. ये दो का ये को तो कुछ नहीं रोना नहीं कुछ अच्छे बुड्ढो मॉनेस्ट्री में आया था हम लोग का सो थोड़ा देख लिया है तो अभी यहाँ से निकल रही हूँ क्योंकि आज हम लोग को घर जाना है पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगा रास्ता भी ना टर्निंग टर्निंग है ना इसलिए धीरे धीरे जाना पड़ता है तो ज़्यादा तो नहीं देखा है हम लोग बाहर से अच्छा से देख लिया है और अंदर बच्चा लोग आया था स्कूल में लेकिन अभी चला गया है तो हम लोग थोड़ा एक ग्राउंड घूम के अभी जाने वाली हूँ सो आप लोग को थोड़ा दिखाया है गाइस किस्सा लगा है कमेंट में बताना ปานี่เปล่า kelingan deh, ada yang pernah busung berai dengan nak. Kaplang baik kan mubah. Bolong masih sar neng. Eh masih lu gaya ini dia. फाइनली गाइस आज हम लोग घर में पहुंचने वाला है इसीलिए यही मेरा लास्ट वीडियो था तो कैसा लगा आप लोग को मेरा वीडियो देखकर तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना तो आज के लिए बाय बाय गाइस।